हाय फ्रेंड, आई एम जरक्षा जेब और आप देख रहे हैं जरक्षा जेबल टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू टाइप ऑफ ग्लास फंड कैसे बनाया जाता है। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्स लैब को ओपन करना है और यहाँ पर वो पिक ऐड करनी है जिस पर आपने नेम टाइप करना है। आप कोई भी पिक ले सकते हैं, जैसे कि पिक मैंने ले ली है। अब आपने यहाँ पर नेम लिखना है, कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं नेम लिखूँगा हेट। हेट लिखने के बाद इस पर एक फंड लगाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका साइज़ आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, जितना भी आपने रखना हो। मैं 170 पे रखूँगा। और इसका बैकग्राउंड अब आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव इसको अल्ट्रा में कर लेना है। सेव अल्ट्रा में करने के बाद आपने करना क्या है, आपने पी एस टच में चले जाना है। पी एस टच को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने यही सेम उधर पिक ऐड करनी है। पिक ऐड करने के बाद आपने फिर नेम ऐड करना है। यहाँ पे आपने पिक आर्ट वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और अपनी जो है ना पिक वो ऐड करनी है। पिक ऐड करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करनी है और फोटो लेयर पे जाना है और यहाँ से आपने पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और अपनी लेयर ऐड कर लेनी है। लेयर ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट वाले लेयर की 2 डुप्लीकेट कॉपी करनी है, यानी कि टोटल 3 डुप्लीकेट सॉरी टोटल 3 लेयर होनी चाहिए। अब आपने करना क्या, आपने फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने लाइटनिंग में आ जाना है और यहाँ से इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इसका जो ब्लेंड मोड है वो आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने सेकंड लेयर पे आना है और एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आ जाना है। ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपने इसका ब्लर जो है ना वो रखना है 5, डिस्टेंस भी आपने रखनी है 5 और एंगल जो है वो ही रहने देना है। और इसका जो ब्लेंड मोड है आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लास्ट लेयर पे आना है और एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आपने इसका ब्लर रखना है 30 पे और कलर कर देना है ब्लैक, और जो डिस्टेंस है ये भी 30 पे रखनी है। ब्लर 30, कलर ब्लैक, डिस्टेंस 30 और ओके कर देना है। अब आपने करना क्या, अब आपने आ जाना है फर्स्ट वाले लेयर पर और एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे ग्लो में आ जाना है। ग्लो में आने के बाद आपने इसका ब्लर 0.6 कर लेना है और कलर वाइट कर लेना है और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी निकल। अब आपने लास्ट लेयर पे आना है। लास्ट लेयर पे आने के बाद फिर आपने एफ एक्स में जाना है और यहाँ पे टेंट में आ जाना है। आपने टेंट में आने के बाद आपने यहाँ में कोई भी कलर आप रख सकते हैं, जैसा कि मैं ये वाला कलर रखूँगा, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। अब आपने इस पर 2 या 3 दफ़ा बेवल लगाना है। 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया और 3 दफ़ा, मैंने 3 दफ़ा बेवल लगा लिए। अब आपने डुप्लीकेट कॉपी करनी है। ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ना जिस पे ग्लो लगाया था, इसकी आपने एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, यानी 2 कर लें डुप्लीकेट कॉपी। अब आपने करना क्या, अब आपने इस दरमियान वाले की आपने इस वाले की भी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है और अब आपने इस लास्ट वाली लेयर की डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने जो लास्ट वाला लेयर है, इसके लास्ट लेयर इसका ब्लेंड मूड आपने ओवरले कर देना है यहाँ से, ठीक है। ओवरले करने के बाद आपने इसका ब्लेंड मूड मल्टीप्लाई है, हाँ इसकी एक और डुप्लीकेट करनी है कॉपी आपने लास्ट लेयर की। यहाँ पे देखें आपका ग्लास वन रेडी हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।